बोर्ड परीक्षा रिजल्ट को लेकर के 10 और 12 के सभी छात्रों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी गुड न्यूज आ रही है। आज के न्यूज़पेपर की लेटेस्ट खबर आप सभी को देने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सबसे पहली बड़ी खुशखबरी है कि आपके मार्कशीट का कार्य मूल्यांकन कार्य शुरू कर दिया गया, यानी कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि 10वीं के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि जिन भी सब्जेक्ट की उनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट का परीक्षा बाकी है, आप सभी को पता होगा, और जिन सब्जेक्ट की परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके मार्कशीट का मूल्यांकन का कार्य शुरू कर दिया गया है। दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की बड़ी खबर है जो कि देख पा रहे होंगे, मूल्यांकन कार्य को भेजी गई मार्कशीट और यहाँ पर मूल्यांकन का कार्य कैसे चलेगा। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पर साफ साफ लिखा गया है कि यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा नकल भी संपन्न कराने के लिए एक तरफ से यूपी बोर्ड एड़ी चोटी लगा करके जोर लगाए हैं, दूसरी तरफ परीक्षा फल घोषित करने में देरी नहीं होने की रणनीति पर काम कर रहा है। यानी कि दोस्तों इस बार आपके बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट भी जल्दी आने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इस बार की जो बोर्ड परीक्षा 2023 की मार्च में आयोजित होने वाली थी, लेकिन फरवरी में ही परीक्षा करवा दी गई है। इसी प्रकार से दोस्तों इस बार का नया सत्र यानी कि अप्रैल महीने से ही चालू कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से दोस्तों इस बार बताया जा रहा है कि 5 से 10 अप्रैल के बीच आप सभी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस बार का जो 20 अंक का जो ओमारसीट है, दोस्तों यदि कोई भी छात्र छात्रा ओमारसीट पे कोई गलती कर देता है तो उसे दोस्तों यहाँ पर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यानी कि बहुत सारे छात्र छात्रा यहाँ पे जो लिखने वाला कालम था ABCD उसे छोड़ दिए थे, तो आप सभी को दिक्कत नहीं है। जिन भी छात्राओं का यहाँ पे ओमारसीट पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहेगी, यानी कि रोल नंबर में थोड़ा मिस्टेक है, तो उन सभी छात्र छात्राओं का जो ओमारसीट है यानी कि जो टीचर खुद चेक करेंगे, यानी कि उन्हें कंप्यूटर से नहीं चेक किया जाएगा, वहाँ पे कंप्यूटर जो ऑटोमेटिक यानी कि सब में एक तरफ से डाला जाएगा और वहाँ पे जो छात्रों में कोई गलती रहेगी ठीक है ओमारसीट में, तो उसे रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट होने के बाद दोस्तों उस ओमारसीट को दोस्तों टीचर खुद चेक करेंगे, यानी कि दोस्तों आप सभी को फेल होने की यानी कि आप सभी फेल नहीं होने वाले हो, और आप सभी को यानी कि गलती की हो ओमारसीट में कोई दिक्कत नहीं है आप सभी के लिए। सबसे पहले आप सभी को इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि आप सभी का ओमारसीट में यदि कोई भी गलती है तो आप सभी टेंशन ना लो ठीक है, आप सभी की ओमारसीट टीचर खुद चेक करेंगे ठीक है। और दोस्तों दूसरी बड़ी खुशखबरी आप सभी को बता दें कि यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने बताया कि यदि कोई भी छात्र छात्रा किसी भी सब्जेक्ट में एक या दो नंबर से फेल होता है तो उसे उस सब्जेक्ट में पास कर दिया जाएगा। यानी कि आप सभी को 33 नंबर हर सब्जेक्ट में लाना अनिवार्य है, 10 नंबर आप सभी को प्रैक्टिकल एग्जाम में और 23 नंबर दोस्तों आप सभी को लिखित परीक्षा में। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई भी छात्र छात्रा 20 नंबर पाता है तो उसे 3 नंबर की जरूरत होगी तो उसे सब्जेक्ट में उसे पास कर दिया जाएगा। यानी कि इस बार ग्रेस मार्क्स देकर के आप सभी को पास कर दिया, यानी कि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इस बार पास करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। दोस्तों इस बार यूपी बोर्ड का रिजल्ट पिछली बार से बहुत ही अच्छा आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, यूपी बोर्ड से जुड़ी हर जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।